हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चेस लेक्चर्स। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्लेड बिटवीन हिकारू नाकामुरा एंड मोगरेजिन ऑन chess.com एंड इट वाज अ ब्लिट्ज गेम विद 3 मिनट टाइम कंट्रोल फॉर ईच प्लेयर। और इस गेम में हमें देखने को मिलेगा द विंग्स गैम्बिट, जो कि काफ़ी रेयरली खेला जाता है, बट दिस इज अ वेरी एग्रेसिव चेस ओपनिंग। एंड हियर वाइट स्टार्टेड विद द मूव e4, ब्लैक प्लेड c5, b4 and c captures on b4 and this is the wings gambit, jiska main idea rehta after the move d4. White has full control of the center, but in the game after the move captures a3 was played and ab aaya d5 captures, queen captures on d5 and yahan pe agar white koi bhi terrible move khelta hai then queen to e5 check aake aap aaram se uska rook jeet sakte ho। सो इन द गेम आफ्टर क्वीन टेक्स ऑन d5 नाइट टू f3 खेला गया एंड यहाँ पे आया e5 एंड आफ्टर ए टेक्स ऑन b4 बिशप टेक्स ऑन b4 बिशप टू b2। अब इस पॉन पे डबल अटैक है, सो ब्लैक ने इसे डिफेंड किया विद द मूव नाइट टू c6 एंड अब वाइट ने खेला रुक a4 एंड यहाँ पे ब्लैक ने इनएक्यूरेसी करते हुए b5 खेला। बट दिस वॉज अ ब्लिट्स गेम, सो यहाँ पे बेटर ये था ब्लैक के लिए क्वीन टू e5 चेक देके से बिशप टू e2 से डिफेंड करके इस बिशप को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना था एंड इजीली ब्लैक यहाँ पे रुक विन करके गेम में काफी बेटर पोजीशन में आ सकता था। बट ब्लैक ने इसको मिस किया एंड खेला b5 एंड यहाँ पे हिकारू ने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दिया विद द मूव रुक टेक्स ऑन b4 नाइट टेक्स ऑन b4 एंड यहाँ पे एक्सचेंज सेक्रीफाइस क्यों दिया गया, इसका आइडिया था दैट आफ्टर द मूव नाइट टू c3 क्वीन टू c5 बिशप टेक्स ऑन b5 चेक एंड अब ब्लैक पूरी गेम में कैसल नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप d7 एंड आफ्टर बिशप टेक्स ऑन d7 किंग टेक्स ऑन d7 यहाँ पे वाइट ने कैसल किया। वाइट का किंग कंप्लीटली सेफ है जबकि ब्लैक का किंग अभी भी सेंटर में है, तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला f6 विद द आइडिया कि वो किंग टू e7 और किंग टू f7 करके अपने किंग को आर्टिफिशियल कैसलिंग करा देगा। बट यहाँ आया d4 स्ट्रेट अवे अटैक ऑन द क्वीन एंड यहाँ पे वाइट का आइडिया है कि वो कुछ भी करके इस डी फाइल को ओपन करना चाहता है। ब्लैक ने खेला क्वीन d6 एंड अब आया नाइट टू b5। तो आइडिया नाइट टू b5 का यहाँ पे ये है कि कुछ भी करके ब्लैक की क्वीन को इस डी फाइल से आप हटा दो एंड फिर पॉन कैप्चर कर लो और एक डिस्कवर्ड अटैक ब्लैक पे आप डेवलप कर लो। सो ब्लैक ने भी क्वीन टू d5 खेला बट अब आया c4 फोर्सिंग द क्वीन टू लीव द डी फाइल एंड आफ्टर दिस हैपेंस वी हैव पॉन टेक्स ऑन e5 चेक क्वीन d5 बट अब आया क्वीन a4। सो व्हाट क्वीन टू a4 वाज डूइंग इज दैट यहाँ पे ये नाइट c3 पे आके क्वीन पे भी अटैक बना सकता है, ये क्वीन ऑलरेडी इस नाइट पे अटैक कर रही है। सो ब्लैक ने खेल दिया नाइट टू c6 बट अब आया रुक d1। अब ब्लैक की क्वीन के पास बचने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है एंड ब्लैक ने यहाँ पर रिजाइन नहीं किया। ब्लैक ने खेला नाइट g2 e7 एंड अब आया क्वीन टू g4 चेक, यहाँ पे खेला गया f5 एंड अब आया रुक टेक्स ऑन d5 चेक एंड नाइट टेक्स ऑन d5 क्वीन टेक्स ऑन f5 चेक किंग e8 क्वीन e6 चेक एंड अब ब्लैक ने खेला नाइट टू e7 एंड अब इस पोजीशन में क्या आप वो मूव ढूंढ सकते हो जो हिकारू ने खेला। यहाँ पे हिकारू ने खेला नाइट टू g5 एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक c8 स्टॉपिंग नाइट टू c7 चेक। सो वाइट ने खेला नाइट टू f7 एंड वॉट इज द आइडिया ऑफ नाइट टू f7 इज दैट इज इट्स एक्चुअली मेड इन 4 फ्रॉम नाउ, इट्स अ फोर्सिंग मेट एंड आफ्टर दिस मूव ब्लैक ने यहाँ पे कुछ भी खेल ले बट ब्लैक की मेट इन 3 यहां से है। कैन यू फाइंड द मेट इन 3? अगर आपने नहीं ढूंढी इट्स कम्प्लीटली फाइन बट ब्लैक ने यहाँ पे एक ट्राई की थी विद द मूव नाइट d4 होपिंग दैट अगर वाइट यहाँ पे इसे कैप्चर करता है
सो वी कैन से दैट सिंपली रुक टू सी वन करके उसी की मेट हो जाएगी। बट यहाँ पे आफ्टर नाइट डी फोर यहाँ आया नाइट टू डी टू एफ सिक्स चेक, किंग हेयर नाइट टू बी सेवन चेक, किंग हेयर नाइट टू डी सिक्स चेक, किंग हेयर एंड क्वीन टू एफ सेवन चेक एंड मेट। सो हमने देखा द विंग्स गैम्बिट एंड अ टोटली अटैकिंग गेम बाय हिकारू। एंड अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी गेम्स को लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।